कांडी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में हत्या और शव को प्रेमिका के घर के बरामदे में जलाए जाने के मामले में हत्या के मामले में फरार आरोपी के घर में चला प्रशासनिक डंडा और किया गया कुर्की। कांडी थाना के पुलिस और अंचल अधिकारी की मौजूदगी में चला कार्रवाई और आरोपी के घर पर कार्रवाई करते हुए किया सामानों की कुर्की और जब्त। दरअसल बीते साल कांडी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या मामले में युवक के परिजनों के द्वारा मृतक युवक की प्रेमिका के घर पर शव को जलाया गया था और इस मामले में पुलिस ने आरोपी सहित कई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया। वारंट होने के बाद भी आरोपी फरार था, जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट की तैनाती में उक्त आरोपी के घर पर प्रशासनिक डंडा चला है। मामले में कांटी पुलिस के एसआई ने बताया कि फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रहा था, जिसमें अब तक फरार था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर वारंट जारी किया गया लेकिन अब तक फरार था, जिसके बाद से आज मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज यह कार्रवाई किया जा रहा है। अधीक्षक की सारी बार बार गिरफ्तारी हो गिरफ्तार के लिए आते थे लेकिन फरार माननीय न्यायालय का आदेशानुसार उसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उसके बाद इश्तहार जारी हुआ। देखिए इश्तहार के लिए यहाँ सटा हुआ इश्तहार जारी हुआ, इश्तहार के बाद कुर्की जब्ती का आदेश हुआ और SPO साहब के पास हम लोग यहाँ मजिस्ट्रेट में इतने CO साहब आए थे, सब देख के गए रहेंगे। बड़ा चर्चित मामला था ये। हाँ, बहुत ही चर्चित मामला 481 का इस कांटी थाना कांड संख्या है, जहाँ पर लड़की के दरवाजा पर लड़का को जलाया गया था। बहुत ही जो माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है उसका पालन बड़े और बड़ी पदाधिकारी का आदेश का पालन। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।